मैनपुरी में बिना जानकारी और फर्जी तरीके से कैंप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बिना बताए नेत्र प्रशिक्षण शिविर और कैंप लगाया गया था। इसके साथ ही बिना डॉक्टर के यहां पर दवाई भी वितरित की जा रही थी। जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची और देखा तो कैंप पूरी तरह से फर्जी पाया गया। यहां पर लोगों को निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण के नाम पर कमीशन लेकर उन्हें अन्य अस्पतालों में आँखों के ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है और उनसे कमीशन मिलता है। इस बारे में जब CMO RC गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें बिल्कुल भी इस कैंप की जानकारी नहीं है और मीडिया के माध्यम से उन्हें इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। वो उसकी जांच करवाएंगे और कहीं भी इस तरीके का कैंप पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पर इस नेत्र शिविर के नाम पर आम लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। विमल कुमार बेवर यहां पे किस चीज के लगा रखा है? कैंप का लगा रखा है आंखों का। कौन कौन डॉक्टर बोल रहा है? पिंटू डॉक्टर पिंटू है। कहाँ है पिंटू? आ रहे हैं वो पंचायत यहाँ पे। कौन जांच करता है? वो पिंटू करते हैं। हाँ, क्या जांच होती है? आंखों की जांच होती है, मोतियाबिंद की। उसके बाद कानपुर भेजते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन होता है। कितने रुपये लेते हो? वही 800-900 रुपये खर्चा आता है वो दवाई का बस। ये रोहित ने आप ये लगाए कैंप लगाए हुए हैं, क्या करते हो यहाँ पे? सर आंखों को मरीज देखने आए हैं, जो मोतियाबिंद वाले होंगे उनको ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे कानपुर। मौके पर कौन डॉक्टर है जो आंखों का इलाज कर रहा है? आंखों का इलाज नहीं हो रहा सर यहाँ। मोतियाबिंद की जांच कौन कर रहा है? कौन ऐसा सर्टिफाइड डॉक्टर है? वो सोनू सर कहाँ है? वो अभी है नहीं, आएंगे। आए हैं अभी भी, टाइम कहाँ हुआ है तो आएंगे। 3 बजे 11-12 बजे टाइम है, 3 बजे तक का उनका। हम बैठे हैं, हम जब तक आएंगे मरीज तब तक हम बैठे हैं। किसी का हुआ रजिस्ट्रेशन? कुछ नहीं हुआ, यहाँ आएगा ही नहीं, कोई मरीज भी नहीं आया अभी यहाँ। कौन है ये सोनू सर आपके? सोनू सर हमारे गुरु हैं। ऐसे जाँच करने के बाद क्या करते हो सर? वहाँ ऑपरेशन होता है कानपुर, कानपुर श्री द्वारका जी। वही 1,000-1,100 रुपये बस, और कुछ नहीं। सर मोगांव क्षेत्र में फर्जी तरीके से आई कैंप लगाए जा रहे हैं के लिए और उसको अस्पताल में इसका ऑपरेशन करा दीजिए, आपकी जानकारी में है और क्या कुछ कार्रवाई की? नहीं, इसके बारे में तो अभी मेरी जानकारी में भी बात नहीं है। आप ही लोगों के द्वारा माध्यम से समाचार से पता लग रहा है, इसको मैं जाँच करवाता हूँ किस तरह कैंप लगा रहे हैं और कौन लोग कैंप लगा रहे हैं, क्वालिफाइड है या नहीं कैंप लगाने के लिए। यानी कि जो कैंप लगाए गए थे आपकी जानकारी? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। फर्जी तरीके से लगा रहे? अब इसके बारे में देखना होगा कि क्वालिफाइड आदमी के, अगर क्वालिफाइड नहीं है तो फर्जी ही होगा, क्वालिफाइड है विद्यार्थी है वो BSc में एडमिशन लिए हैं वो कैंप लगाए, मतलब अब तो अगर जाएगा उसमें अगर क्वालिफाइड नहीं तो फिर वो फर्जी होगा, उसको बंद कराया जाएगा। तो आपके बिना जानकारी? मेरी जानकारी में नहीं है।